मेरठ में मनचले से परेशान होकर एक नाबालिग लड़की ने मेरठ एसएसपी ऑफिस पर आकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लड़की के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनकर उसकी जान बचाई। आरोपी की लड़की अपनी शिकायत लेकर कई बार एसएसपी ऑफिस आ चुकी है पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने से आहत लड़की ने आज आत्मदाह का प्रयास किया। दरअसल मामला मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक लड़की का मनचले ने जीना दुश्वार कर दिया है। इतना नहीं, मनचले ने पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास भी किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि जब वो शिकायत करने थाने गई तो पुलिस ने उसको थाने से भगा दिया। वहीं आज उसने पुलिस अधिकारियों से मिलकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद एसपी देहात राजेश कुमार ने इस मामले को दो पक्षों की लड़ाई बताया था और छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है, यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया था। कई बार थाने के चक्कर काट काट कर परेशान युवती ने आज पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं एसएसपी ने बताया कि दो पक्षों के झगड़े का मामला है, युवती झूठा मुकदमा लिखवाना चाहती है, फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच के बाद जो सामने आएगा के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये दुरूप से आपसी विवाद है, नालिक एक दूसरे को फंसाने के लिए ये दबाव बना रहे हैं कि जो इनका विपक्षी है उसके विरुद्ध छेड़खानी का या रेप का मुकदमा लिखा है। इन्होंने जो एनसीआर लिखी, जो एप्लीकेशन दी थी आपसी महिलाओं के विवाद की, वो पंजीकृत कर ली गई। जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उनका थाने पर लाया गया, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई और जिसपे आरोप लगा रहे हैं इनकी तरफ के लोग, उसकी मोटरसाइकिल छीन के ले आए, मोटरसाइकिल वापस नहीं कर रहे हैं और एक सिर्फ दबाव बनाने के लिए कि उसके विरुद्ध छेड़खानी का मुकदमा कायम कर दिया जाए, यहाँ इस तरह की बात की गई। ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात है। आपसी विवाद को निपटाने के लिए ये वो मुकदमा लिखाना चाहते हैं।